Good evening and welcome to you all. I am Dr. S. Chakravarti, Consultant Diabetologist at Metro Hospitals in Sector 11, Noida. Here in Metro Hospital, we have set up a special Metro Center for Diabetes Metabolism. It is a diabetic clinic with concentration more towards the diabetic foot management we have set up here. Today I am going to describe something about diabetic foot. Diabetes यानी कि मधुमेह, मधुमेह लंबी समय तक होने से हम लोग ये जानते हैं कि diabetes का असर पूरे शरीर में हर जगह पड़ता है, ऊपर से लेके नीचे तक, आँख में, heart में, kidney में, skin में, हर जगह इसका असर है। ऐसे ही diabetes में हमारे पैरों में भी असर आने शुरू हो जाते हैं अगर डायबिटीज लंबे समय तक हो तो। डायबिटीज इन्वॉल्व्स टू टाइप्स। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायबिटीज ऑफ फूड आर टू टाइप्स। वन इज वैस्कुलर ओरिजिन एंड सेकंड इज न्यूरोपैथिक ओरिजिन। यानी कि खून की नसों में उसका असर और नर्व्स जिसको बोलते हैं जो सेंस करता है हमारे हर चीज उसमें असर। ये दोनों पे असर आने के जो प्रभाव पड़ता है वो है कि पैर के नीचे घाव बनने लगते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फूट अल्सर। सो डेवलपमेंट ऑफ फूट अल्सर का मतलब ये होता है कि पैर के नीचे, आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में किस तरह से पैर के नीचे घाव बनना शुरू हो जाता है। अगर ये घाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाए तो इन्फेक्शन और डीप पेनिट्रेट कर जाता है, यानी कि हड्डी तक पहुंचने की संभावना होती है। अगर ये और बढ़ता चला जाए तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली पैर खराब होने लगते हैं और गैंग्रीनस डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं वो भी होने लगता है, और कई बार इन रेयर केस में हमें एम्पुटेशन यानी कि पैर का एक हिस्सा को रिमूव करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में समय रहते हुए हमें पैर का केयर करना बहुत आवश्यक है। इस डायबिटीज सेंटर में हमने पैर के लिए, फुट केयर के लिए स्पेशल इंतजाम किया है। इसके अंदर हम लोग कई तरह के टेस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि नसों में इन्वॉल्वमेंट कितना है, नर्व इन्वॉल्वमेंट कितना है, और उसी हिसाब से पेशेंट्स को उसका केयर जो है फुट केयर जैसे उसको किस तरह से करना है ये सारा चीज सिखाया जाता है। फूड केयर के लिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जो है डिजिटल बायोथिसियोमेट्री करते हैं। डिजिटल बायोथिसियोमेट्री से हमें ये पता लगता है कि फूड के सेंसेशंस कितने हैं। ये जो डिजिटल बायोथिसियोमेट्री है इसको हम लोग जो है इस मशीन द्वारा चेक करते हैं और फिर फाइनली ऐसे रिपोर्ट को निकालते हैं। इस रिपोर्ट को इस तरह से निकालते हैं तो फूड का जो इसके अंदर कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ इसके जो है प्रभाव ज्यादा है वो पता लगता है। उससे हमें ये पता लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया को कवर करके रखना चाहिए और फूड केयर के और जो प्रिंसिपल्स है वो चीज को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से इसको करने के बाद फिर हम लोग पैर को स्कैन करते हैं जिसको कि हम लोग ओडिया स्कैन बोलते हैं। ये देखिए हम लोग किस तरह के फूट को स्कैन किए हैं। ये स्कैन करने के बाद ये फूट को हम लोग जो है इस स्कैनर के ऊपर रखते हैं। ये फूट स्कैनर है, इसके ऊपर रखते हैं और रखने के बाद फिर हम लोग जो है इसका इम्प्रेशन लेते हैं। ये इम्प्रेशन लेते हैं इस तरह से और ये जो है इससे हम लोग फूट को, फूट के ऊपर इम्प्रेशन ले लेते हैं। इसको लेने के बाद फिर जो है ये फाइनल पेपर ऐसे निकलता है। निकलने के बाद फिर हम लोग इसको स्कैनर, ये मशीन है, इस मशीन के अंदर हम लोग इसको डाल देते हैं और फूट का जो है इम्प्रेशन और वो चीज निकल के बाहर आ जाता है। इसको हम लोग इस तरह से रिपोर्ट के रूप में इसको दर्शाते हैं। वंस जब ये चीज हो जाता है फिर हम लोग जो है इसको निकाल के फिर क्लिनिकल इम्प्रेशन जो हमारा है उस हिसाब से पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आपको शूज चेंज करने की आवश्यकता है कि नहीं। प्रेशर ऑफलोडिंग शूज बोलते हैं जहां पे इस तरह के घाव बनते हैं, इस तरह का घाव जो हमें प्रेशर ऑफलोडिंग शूज बोलते हैं, उसको प्रेशर ऑफलोडिंग शूज हम लोग जो है देते हैं। और
इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज हैं जिसको कि हम लोग जो है फूड को केयर रखने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से फूड का जो केयर है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जब कोई घाव इस तरह से बन जाता है उसके बाद भी उसको हील कराने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या और भी तरीके, डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी भी अवेलेबल है। यहाँ पे प्लास्टिक सर्जन बैठते हैं जो कि स्पेशल केयर, फूड केयर करते हैं और इसको जितनी जल्दी हील कराने की हम लोग कोशिश करते हैं। सो इन ऑल इस सेंटर में हम लोग फूड केयर एंड फूड केयर के डिफरेंट प्रिंसिपल्स पेशेंट्स के साथ डिस्कस भी करते हैं और स्क्रीन करते हैं। अर्ली स्क्रीनिंग हेल्प्स अस इन प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ फूड अल्सर। थैंक यू।